लवली पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, और इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। आज फिर से स्टार्ट करी हूँ और अभी मॉर्निंग हो रहा है और मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बता दूँ आप लोगों को कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो बताऊँगी नहीं, पहले आप लोगों को दिखाई देती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक नया डिश है ये, देखिए फ्रेंड्स, ये बनाने वाली हूँ। ये है ग्रीन साग, इसका नाम है करमी। करमी का पत्ता है ये, और ये ज़्यादातर नदी का किनारे होता है, पानी का साइड में होता है ये साग। तो आज मैं इसका भुजिया बनाने वाली हूँ, जस्ट फ्राई करके। आप लोग चाहें तो इसमें ना आलू भी डाल सकते हो, वैसे मैं थोड़ा सा आलू भी इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा करमी का पत्ता, और ये ऐसे कटता है, आप देख सकते हो मैं काट चुकी हूँ इसे। अब चलती हूँ इसे बनाने के लिए। आप चाहे तो इसमें आलू भी मिला सकते हैं, वैसे मैं भी आलू भी थोड़ा काट के ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साग धो रही हूँ, आप देख सकते हो चाय छन्नी है, इसे आटा चालती हैं और मैं इसे साग धोती हूँ, क्योंकि पहले इसे पानी में धो लेती हूँ अच्छी तरीका से, और फिर इसको चाय छन्नी में डालकर, सॉरी चाय छन्नी बोरे में, आटा चालने वाले में डालकर, और फिर मैं इसे धोती हूँ। इससे क्या होता है, पूरा जो मिट्टी रहता है ना वो गिर जाता है नीचे, इसीलिए मैं इसी में हमेशा धोती हूँ, और इसमें धोने से पूरा नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो अभी कुछ और साग बाकी है जो मैं भी धो लूँगी, और उसके बाद चलती हूँ बनाने के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स, ये लोग इस ये साग का कई लोग साग जैसा बनाते हैं, लेकिन मैं इसे भाजी बनाऊँगी, जिसमें पचफोड़ना कहते हैं हम लोगों का यहाँ, उसको भी डाला जाता है। तो मैं प्याज भी इसमें ऐड करूँगी, लहसुन भी ऐड करूँगी, और पचफोड़ना डालकर, और मैं इसे बनाऊँगी भाजी का जैसा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वही बनाकर इनको दूंगी। ये करमी का पत्ता है जिसका टेस्ट बहुत अलग होता है, जैसे कि हम लोग दूसरा नॉर्मली साग खाते हैं ना, इस टाइप से ये बहुत ही अलग बनता है। मैं यहाँ उड़ीसा में रहती हूँ, तो यहाँ जो लोकल पीपल उड़िया हैं वो सब ये खाते हैं, और शायद हमारे यूपी साइड भी लोग कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी जी बता रही थी कि वहाँ पर भी कुछ लोग खाते हैं इसे, और कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज मैं ये वीडियो का माध्यम से कई लोगों को हेल्प कर दूंगी कैसे बनता है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। तो चलिए, यहाँ मेरा साग हो गया, मैं इसे धुल ली हूँ अच्छी तरीके से, अब रेडी करते हैं बनाने के लिए। ये मेरा हो रहा है कढ़ाई यहाँ पे गरम। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि साग है तो उतना चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल थोड़ा ऐड कर दी। तो यहाँ मेरा तेल हो रहा है गरम, और ये देखिए यहाँ पे मैं दूध चढ़ाई हूँ। सुबह इसे गर्म नहीं करी थी जब चाय बनाई थी, इसीलिए अभी गर्म कर रही हूँ, नहीं तो फट जाएगा। तो मेरा तेल हो गया गर्म, और ये है पचफोरन, पचफोरना जिसे कहते हैं, इसे डाल देना है। थोड़ा ना ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इसी से थोड़ा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैं पचफोरना डाल दी इसमें, और यहाँ मेरा प्याज लहसुन और मिर्ची काट के रखी हुई हूँ। तो इसमें ना मुझे ना टमाटर भी ऐड करना है, टमाटर से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, खट्टा खट्टा टाइप ना, इसीलिए मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी। तो ये लाल हो जाएगी, इसके बाद हमें ये ऐड करना है। तो पहले से लाल होने देते हैं, और देखते ही देखते थोड़ा लाल हो गया है, अब इसे भी ऐड कर दूंगी इसमें। और इसे अच्छा से चला लेंगे। प्याज को भी हमें फ्राई करना है ब्राउन होने तक, और लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ही मुझे इसमें साग मिलाना है, मेरे को कच्चा टाइप लगेगा।
ये देखें, मैं यहाँ प्याज टमाटर काट चुकी हूँ और इसे इसमें ऐड करूँगी। ये पहले ही मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि टमाटर सब्ज़ी में दिखे। अगर कोई भी टमाटर थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख जाता है तो वो कहते हैं कि टमाटर कच्चा है, जबकि वो पूरा पक जाता है। इसीलिए मैं पहले ही फ्राई करते वक्त टमाटर को डाल देती हूँ ताकि वो अच्छा से मिल जाए। नमक डालती हूँ उसमें तो वो पूरा गल जाता है तो वो नहीं दिखता है उतना। और वही मैं सब्ज़ी में डालकर अगर बनाती हूँ बाद में तो फिर दिखता है टमाटर, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है ऐसा वाला। इसलिए मैं इसे पहले ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो आप सब्ज़ी में भी डाल सकते हो, मतलब कि सब्ज़ी डालने के बाद भी टमाटर को ऐड कर सकते हो। मैं पहले ही ऐड कर दी हूँ। करते हैं थोड़ा आटा गूंद लेते हैं क्योंकि अभी उनका ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है और मैं सब्जी का फेरा में अभी तक रोटी नहीं बनाई हूँ, तो रोटी तो बनाना जरूरी है ना, बिना रोटी का साग खा ही नहीं सकते हैं। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। फिर ये इतना ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ साग। ज़्यादा मत भरिएगा नहीं तो ये गिर जाएगा। शुरू शुरू में तो वैसा ही होता है साग, थोड़ा सा डालने से कढ़ाई भर जाती है और वैसे भी मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा साग डालती हूँ फिर चलाने के बाद और फिर मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ, नहीं तो वो गिर जाता है, मैं चला भी नहीं पाती हूँ फिर। तो ये देखिए मैं इसे ऐड कर दी इसमें और थोड़ी देर के लिए इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद जब ये गल जाएगा उसके बाद इसमें नमक ऐड करना है। पहले ऐड नहीं करिएगा नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा, फिर पत्तियों का नखड़ा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा दूध भी हो गया है गरम, अब मैं इसे कर देती हूँ बंद। तो यहाँ मेरा हो रहा है साग, आप देख सकते हो। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढक दूंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आटा सानने, और मैं जल्दी जल्दी आटा सान लेती हूँ नहीं तो फिर उन्हें लेट हो जाएगा। मैं सारा काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरा बचपन से ही आदत है लेफ्ट हैंड से काम करना और इसलिए मैं आटा भी लेफ्ट हैंड से ही सान रही हूँ। क्या करूँ, मेरा सारा काम लेफ्ट हैंड से ही होता है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। हाँ बस लिखने का टाइम में राइट हैंड से लिखती हूँ। यहाँ मेरा साग हो गया है फ्राई, आप सब देख सकते हो। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो इसमें मैं नमक ऐड करने के बाद ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, क्योंकि मैं आलू डाली हूँ इसलिए मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। आलू नहीं जब डालती हूँ तो मैं इसमें हल्दी भी ऐड नहीं करती हूँ। तो अगर आप आलू डालेंगे तो आपको हल्दी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डालकर और फिर इसे अच्छा से चला लेती हूँ और फिर इसे ढक देना है जल्दी सीझने के लिए। और फ्लेम इस थोड़ा कम कर देना है ताकि जले ना। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैं आटा गूंद चुकी थी और सॉफ्ट सॉफ्ट लोई भी बना ली हूँ। यहाँ तवा चढ़ा दी हूँ, अभी गर्म होगा तवा, चलती हूँ अब रोटी बनाने। चलते हैं रोटी बनाने, अब मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। मैं इस पे ही रोटी बनाती हूँ क्योंकि रोटी वाला है बनाने के लिए चौकी, पर उसमें मैं नहीं बनाती क्योंकि वो ना इधर उधर भागता है, इसलिए मैं यहीं पे रख के बनाती हूँ। वैसे तो घर में मार्बल वाला वो है, क्या बोलते इसे, बेलुना चकुला, चकुला कहते हैं हमारे यहाँ, तो वो चकला है घर पे मार्बल वाला, लेकिन ना यहाँ लकड़ी वाला लेकर आई हूँ, काठ वाला है जिसकी वजह से वो गैस के अंदर सड़क जाती है, इसलिए मैं यहीं पे साफ करके और बनाती हूँ। इससे मेरा गोल गोल रोटी भी बनता है। तो मैं रोटी बना देती हूँ जल्दी जल्दी।
मेरा रेडी रोटी सब्जी आई हूँ हस्बैंड को देने, अब खा के बताएंगे कैसा है। हाँ, मेरे हस्बैंड को रोटी सब्जी अच्छी लगी, अब चलती हूँ देवी खाने के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे ऐसे बना सकते हो जैसे मैं बनाई हूँ, वैसे बहुत ही टेस्टी होती है सब्जी। चलिए तब फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में एक नया रेसिपी के साथ। बाय बाय।